गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हम लोग का लेक्चर जो है एलाइड एंटरप्राइजेस एंड देयर इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलाइड एंटरप्राइजेस क्या है, ठीक है, और उसका इम्पोर्टेंस क्या है हम लोग के फार्मिंग सिस्टम में। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है। क्रॉप प्रोडक्शन क्या है, इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फार्म एक्टिविटीज़, ठीक है। जितना भी फार्म एक्टिविटीज़ का पार्ट्स है उसको क्रॉप प्रोडक्शन बोलते हैं। क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, बेस्ड ऑन क्लाइमेट, सॉइल, वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है। और जितना भी क्रॉपिंग सिस्टम में जैसे भी बोले हैं कि बायोटिक, ये बायोटिक फैक्टर जितना एक जगह इंटरेक्ट कर रहा है तो वो क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है। जिसमें सिक्वेंशियल क्रॉपिंग सिस्टम का जो एग्जाम्पल है, राइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम, सोरगम बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम, पर्ल मिलेट बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम, वीट एंड ग्राम बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम। तो क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड क्रॉपिंग सिस्टम को समझना है हम लोग को। उसके बाद है इसके अंदर और क्या आ रहा है, जो हम लोग की बार बार मल्टी टायर प्रैक्टिस, जो कि द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑफ वेराइंग है। मतलब मैं बताई भी हूँ पहले कि मल्टी टायर में क्या होता है कि वेराइंग हाइट एंड रूटिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग से लोग बहुत सारे एक ही जगह, लाइक कोकोनट, बनाना, पाइनएप्पल, थ्री डिफरेंट हाइट का इनका रूटिंग पैटर्न भी अलग है, इसके अकॉर्डिंग मल्टी स्टोरी डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। उसी तरह से जो हम लोग जितना भी हम लोग क्या देख रहे हैं, जितना भी एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइजेस का मतलब क्या है, जैसे तुमको एंटरप्रेन्योर मिल रहा है, या तो ये हम लोग को क्रॉपिंग सिस्टम में क्या क्या एंटरप्राइजेस है जो कि मतलब एंटरप्रेन्योरशिप या रोजगार के लिए क्या क्या आता है उसके अंदर। तो इसमें जैसे हम लोग सिक्वेंशियल क्रॉपिंग सिस्टम, मल्टी टायर देखें, फिर देखो बहुत सारे लोग डेयरी फार्मिंग भी करते हैं। एंटरप्राइजेस का क्या आ रहा है, डेयरी फार्मिंग, ठीक है। डेयरी फार्मिंग इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम टू फार्मर, बिसाइड प्रोड्यूसिंग मिल्क एंड और ड्राफ्ट पावर, द डेयरी एनिमल्स आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर, विच इज गुड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फॉर इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। द फार्म बाई प्रोडक्ट इन टर्न आर ग्रेटफुली यूटिलाइज फॉर फीडिंग द एनिमल। उसके बाद है कैटल रियरिंग इन इंडिया इज कैरीड आउट अंडर अ वेराइटी ऑफ एडवर्स क्लाइमेटिक एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन, द कैटल आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन थ्री, डेयरी ब्रिड्स, ड्राफ्ट ब्रिड्स, ड्यूअल पर्पस, एक्जॉटिक ब्रिड, बफेलोज, हाउसिंग, ब्रीडिंग एंड मेंटेनेंस एंड फीडिंग, एंड्रोफेजेस, कंसनट्रेट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये क्या क्या, डेयरी ब्रीड, ड्यूअल पर्पस, एक्जॉटिक ब्रीड, बफेलोज, हाउसिंग, ब्रीडिंग एंड मेंटेनेंस और कंसनट्रेट और विटामिन्स और मिनरल्स, ठीक है। अब ए गॉट एंड शिप रियरिंग, गॉट इज मेनली रियर फॉर मीट, मिल्क, हाइट, स्किन, ठीक है। गॉट मीट कैसे, मीट इन द कंट्री सबसे ज़्यादा किसका प्रेफर किया जाता है, ये सारा अलग अलग इंटरप्राइज है, ठीक है। अब ए गॉट एंड हु फेचेस बेटर प्राइस देन शिप ऑफ हो, हाउसिंग, ब्रीडिंग, मेंटेनेंस एंड फीडिंग। शिप रियरिंग में मतलब ब्रीडिंग एंड मेंटेनेंस करते हैं और फीडिंग, ठीक है। फिर पिगरी कर रहे हैं, पिग्स आर मेंटेन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉर्क, दे आर फीड विथ इन एडिबल फीड्स, फॉरेज, सर्टेन ग्रेन बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम मिल्स, मीट बाय प्रोडक्ट, डैमेज फीड्स एंड गार्बेज, ठीक है। तो और उसके बाद उसका इम्पोर्टेंट ब्रीड ऑफ द लार्ज वाइट योकोशायर एंड लैंड्रेस आर बीइंग यूज्ड वाइडली, ठीक है। हाउसिंग, फीडिंग और मेंटेनेंस है। फिर पोल्ट्री कर रहे हैं सेम उसी में, स्पेसिफिक पोल्ट्री स्टॉक फॉर एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन आर अवेलेबल, मतलब जो बेसिक अच्छे ब्रीड के एग है, ब्रॉयलर है, उसको हम लोग फर्दर ब्रीड करेंगे, लाइक इन ब्रीड लाइट ऑफ वाइट लेगहॉर्न, ठीक है। लिमिटेड एक्सटेंट अदर ब्रीड लाइक रोडे आइलैंड रेड, कैलिफोर्निया ग्रे एंड ऑटर ऑस्ट्रेलोप आर यूज, हाउसिंग, फीडिंग, मेंटेनेंस। तो फार्मिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या हम लोग का एंटरप्राइजेस है वो देखेंगे। जैसे फिर है डक रियरिंग, डक आर प्रीमोडियमेंटली इंडिजिनस टाइप एंड रियर फॉर एग प्रोडक्शन, मतलब जो कि देसी टाइप का है उसका एग प्रोडक्शन के लिए उसको रियर किया जाता है।
फिर इम्पोर्टेंट इंडियन ब्रीड है साइलेंट मेट, नागेश्वरी, ये सब सारा ब्रीड के लिए डक रियरिंग के लिए यूज होता है। देन आ गया तुम्हारा एपिकल्चर, एपिकल्चर इज द साइंस एंड कल्चर ऑफ हनी बी एंड देयर मैनेजमेंट। एग्रीकल्चर इज सब्सिडियरी ऑक्यूपेशन एंड इट इज ए एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम फॉर फार्म एंड फैमिली, जिसमें एपिस सेरेना, एपिस मेलिफेरा और हनी बी कलेक्शन होता है। अब है हनी कलेक्शन। हनी इज द स्वीट विस्कस फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय हनी बी मेनली फ्रॉम द नेक्टर ऑफ द फ्लावर। ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल क्वालिटी सच एज एरोमा, कलर, कंसिस्टेंसी एंड फ्लोरल सोर्स आर इम्पॉर्टेंट। प्रॉपर हनी स्टेनिंग एंड प्रोसेसिंग आर नीड टू इम्प्रूव द क्वालिटी। तो एक हनी कल्चर और एपियरी एक अलग है। अब जो आ रहा है इंटरप्राइज जो तुम्हारा है फिशरी, जिसमें पॉन्ड सर्व फॉर वेरियस यूजफुल पर्पस, डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, सप्लीमेंट्री इरिगेशन सोर्स टू एडजॉइनिंग क्रॉप फील्ड एंड पिसिकल्चर। ठीक है, पॉन्ड का डेप्थ कितना होना चाहिए? 2 मीटर। ठीक है, और जहाँ पर फोटोसिंथेसिस और टेम्परेचर मेंटेनेंस होना चाहिए। क्ले सॉइल हैव हायर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, हेंस आर बेस्ट सुटेड फॉर फिशरी। क्ले सॉइल चाहिए, 2 मीटर का हाइट चाहिए, उसमें फॉस्फेट नाइट्रेट डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑर्गेनिक मैन्योर FYM एंड पोल्ट्री ड्रॉपिंग वो डाल सकते हैं। फिर है स्पीसीज ऑफ फिश, कतला, ठीक है, रोहू, लोबिया रोहिता, कालबसु, सिल्वर क्रैप, ग्रास क्रैप, ये सब हो रहा है। ठीक है, तो सिल्वर क्रैप को हाइपोथैलेमिक मी पैलिथस और मॉलिट्रिक्स भी बोलते हैं, स्टेनो फेरन गॉर्डन आइडेला भी बोलते हैं। तो ये हो गया फिश। कंपोजिट फिश कल्चर में पाइटोवेगस फिश, कतला, रोहू और मृगल कंबाइंड विथ ओमनीमरस कॉमन कार्प और प्लांकटन फिश, सिल्वर कार्प एंड मड ईटर इन कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम में यूज होता है। ठीक है, अब मैनेजमेंट कैसे करना? फॉर हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिश आर टू बी प्रोवाइडेड विथ सप्लीमेंट्री फीडिंग विथ राइस ब्रैन ऑयल शीट केक। दिस विल इनेबल फास्टर ग्रोथ एंड बेटर यील्ड। इस वेराइटी ऑफ कार्प्स कुड बी स्टॉक्ड टू 500 फिंगरलिंग्स। ठीक है, तो इसमें कार्प्स कितना, 500 फिंगरलिंग्स उसका रखते हैं और 5,000 से 8,000 पर हेक्टेयर रखते हैं। स्टॉकलिंग डेंसिटी जो होता है, मतलब ये पर्टिकुलर इस फिश कल्चर का डेंसिटी है जिसको हम लोग रियर करते हैं फिश के लिए, फिश प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या है? सिल्क वर्म कल्टीवेशन, मल्टीबेरी कल्चर। अगर मलबेरी सिल्क वर्म क्या खाता है? मलबेरी। ठीक है, तो मलबेरी के कल्टीवेशन को मोरी कल्चर बोलते हैं। तो कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी प्लांट इज नोन एज मोरी कल्चर। 20 स्पीसीज ऑफ मोरे मलबेरी ऑफ विच 4 आर कॉमनली कल्टिवेटेड, मोरस अल्बा, मोरस इंडिका, मोरस सिराटा, मोरस लैटिफोलिया। ठीक है, अब सिल्क वर्म रियरिंग। मलबेरी सिल्क वर्म में बॉम्बैक्स मोरी, ईरी सिल्क वर्म में फिलोसीमिया रिसिनी, टेसर सिल्क वर्म में एथेरिया माइलिशिया और मूगा सिल्क वर्म में एंथ्रिया एसएमई। ये ठीक है, अब है रियरिंग और मेंटेनेंस कैसे कर रहे हैं। तो द फर्टिलाइज मॉथ इज कवर्ड विथ इन्वर्टेड फनल और सेल्यूल। ठीक है, एग्स आर अलाउड टू लेड ओवर कार्डबोर्ड। फर्टिलाइज मॉथ को कवर कर देते हैं कार्डबोर्ड से ताकि वहां पर एग ले करे। उसी एग को हम लोग को जो कोकून वाला स्टेज होता है ना उस पे हम लोग करते हैं। पैरासाइट में बी रिमूव बाय ब्रशिंग द एग मासेस विथ फाइन ब्रश एंड दिस विल इनेबल टू ऑब्टेन अ यूनिफॉर्म हैच। टेंडर चॉपर मलबेरी लीव्स आर एडेड टू द ट्रे एंड हैच आउट लार्वा इज ट्रांसफर्ड टू द लीव्स। ठीक है, कोकून कंस्ट्रक्टेड। जैसे कोकून कंस्ट्रक्शन होने लगता है तो प्यूपा आर किल्ड 2 to 3 बिफोर द इमरजेंस ऑफ मॉथ एंड कोकून रिक्वायर फॉर फर्दर रियरिंग कैप्ट सेपरेटली एंड मॉथ्स आर अलाउड टू इमर्ज फॉर देम। अब है मशरूम कल्टीवेशन। मशरूम इज एन इडेबल फंगस विथ ग्रेट डाइवर्सिटी। तो ऑब्वियस जानते हो मशरूम कल्टीवेशन भी एक फार्मिंग सिस्टम का अलग एंटरप्राइज है। ठीक है, तो जस्ट लाइक अदर वेजिटेबल मशरूम कंटेन 90% ऑफ मॉइस्चर विथ हाई क्वालिटी प्रोटीन। मशरूम आर फेयरली गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड बी।
अब है इसमें स्पेसिस क्या है, ऑयस्टर में प्लूरोटेस, पैडीस्टो में बल्बेरिया और वाइट बटन में एग्रीकस है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट फॉर ऑयस्टर मशरूम एंड पैडी एंड बटन मशरूम। फिर है एग्रोफॉरेस्ट्री, इसमें क्या लैंड यूज सिस्टम, इसमें ट्री शब पाम्स एंड बम्बू को ग्रो किया जाता है, ठीक है, जिसमें एग्री सिल्वी मतलब एग्रीकल्चर क्रॉप और फॉरेस्ट क्रॉप, एग्री हॉर्टी मतलब एग्रीकल्चर क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप, सिल्वी पास्टरल मतलब फॉरेस्ट क्रॉप प्लस जो फोरेज के लिए हम लोग चारा के लिए उगाते हैं वो हॉर्टी पास्टरल में, हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्लस फॉरेस्ट क्रॉप, एग्री सिल्वी में एग्रीकल्चर क्रॉप विथ फॉरेस्ट क्रॉप विथ उसमें पास्टर। फिर एक बायोगैस प्लांट जिसमें हम लोग गुड मैन्योर क्लीन फ्यूल इम्प्रूव करता है। बायोगैस क्या है, एक तरह का फ्यूल है, ठीक है, तो ये द गैस इज जनरेटेड फ्रॉम द काउ डंग ड्यूरिंग द एनएरोबिक डिकम्पोजिशन। बायोगैस जनरेशन इज एन कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल प्रोसेस, द सेल्यूलाइटिक मटेरियल इज ब्रोकन डाउन टू मिथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाई डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, ऑफ माइक्रो। इट कैन बी यूज फॉर कुकिंग पर्पज, बर्निंग लैम्प एंड रनिंग पंप, ठीक है, तो बायोगैस हो गया। अब है सिलेक्शन ऑफ मॉडल, फ्लोट डोम टाइप और फिक्स डोम टाइप, डिफरेंट मॉडल्स आर अवेलेबल, केवाईसी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ये अलग अलग मॉडल है इसके लिए बायोगैस के लिए, एक फिक्स डोम है और एक फ्लोट डोम है, तो ये इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से ही कंस्ट्रक्ट किया गया है, एक फिक्स्ड है और एक फ्लोट डोम है। तो आई होप तुम लोग को अलग अलग फार्मिंग सिस्टम का एंटरप्राइजेस क्या क्या है वो क्लियर हो गया होगा, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम लोग इसको प्लीज गो थ्रू, और अगर किसी में डाउट आता है इसमें तो तुम लोग डायरेक्ट मुझसे फोरम में डिस्कस करो। ओके देन, थैंक यू।